श्री रामलला के दर्शन करने मुंबई से पैदल निकली मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख अयोध्या पहुंच चुकी हैं। 40 दिन की यात्रा तय करके वह अयोध्या पहुंची। अयोध्या सीमाओं पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शबनम के सिर पर हिजाब, कंधे पर भगवा झंडा और जुबान पर राम नाम। मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख ने राम मंदिर दर्शन को लेकर खुशी जाहिर की है और कहा कि यहाँ आकर बहुत ही आनंद महसूस कर रही हूँ। इतने दिनों से जो हमारी तपस्या थी वह कल पूरी हो जाएगी भगवान रामलला जी के दर्शन करके। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए और आज मुझे टोटल हो चुके हैं 40 दिन। रास्ते में मुझे कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि जितने भी सनातनी भाई थे रास्ते में सबने भरपूर सहयोग किया, मतलब सहयोग दी, मतलब क्या बोलते, हेल्प किया है मेरी रास्ते में, चाहे वो खाने पीने से लेके हो, रहने को रहना हो, दो टाइम का खाना हो, जो एक इंसान को नीड होती है वो सारी चीज़ें मुझे रास्ते में मिली है। आप एक मुस्लिम, मेरे समाज वालों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया पे देख सकूं क्योंकि मैं यात्रा में हूं अभी, लेकिन कुछ कुछ मौलाना लोगों का वीडियोस मेरे सामने आया है, उन्होंने बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है। एज अ मौलाना वो इस तरीके से किसी लड़की को ऑब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कुछ चंद फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर व्यूज़ के लिए, तो ये बहुत ही गलत बात है। और कुछ लोग हैं जो मुझे रैप थ्रेट दे रहे, डेथ थ्रेट दे रहे, तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सुधर जाइए, संभल जाइए, प्रशासन बहुत टाइट है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो खामोश हो जाइए प्लीज़, क्योंकि अभी एक कुछ मुस्लिम्स लोग थे जिन्होंने मेरे साथ अभद्रता की थी, अमेठी में बहुत गलत किया था। योगी जी की सरकार ने पूरा एक्शन लिया, एकदम उनकी गाड़ी को सीज किया, दो महिलाएं बदतमीजी कर रही थी उनको अरेस्ट किया, एक जेंट्स था उसको भी अरेस्ट किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने किया था बदतमीजी लेकिन उन्होंने माफ़ी वगैरह भी मांगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो एक मैं अच्छे कार्य के लिए जा रही हूँ, किसी के लिए दिल में खोट या गुस्सा नहीं लेके जाना चाहती हूँ, तो मैंने भी उनको माफ़ किया है। आपके मन में विचार कैसे आया कि हमें पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुँचना? ये बचपन से विचार है मेरे दिल में, मेरे मन में कि राम जी के दर्शन करना है। 500 साल से ये चीज़ें चल रही थी तो मेरे दिल में ये विचार, मेरे जो सनातनी फ्रेंड्स हैं 3 लोग, उन्होंने ये प्लानिंग प्लॉटिंग की, उसके बाद फिर मैं राम जी का नाम लेकर निकल गई। क्या संदेश देंगी? संदेश यही देना है कि देखिए राम जी सबके हैं। अभी जैसे आपको पता है कि भारत में जय श्री राम बोलने पे फतवे आ जाते हैं, मैं तो भगवा चोला धारण करके ही राम जी के घर ही जा रही हूँ। जय श्री राम।